होली की शुरुआत आज करेंगे रंग बिरंगे मीठे के साथ। ये 3-in-1 रेसिपी है। ये स्वाद में गुजिया जैसा है लेकिन शेप में चंद्रकला जैसा है, रंग बिरंगा सा है और बहुत सारी लेयर में वो खाजे जैसा है। इसे आप बिना चाशनी के भी बना सकते हैं क्योंकि हमने अंदर जो डाला है वो मीठा डाला है, अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं। अगर आप हलवाई से भी ज़्यादा घर में अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसे एक बार शुगर सिरप में भी डिप करके बनाइए, बहुत अमेजिंग लगेगा। ये रंग बिरंगा जो मीठा हमने घर में बनाया है वो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 कप डालेंगे चीनी और उसमें डालेंगे 3/4 कप पानी। ये मैं बना रही हूँ चाशनी इस मिठाई के लिए। जब ये चीनी घुल जाए तब इसमें 3-4 इलायची को कूट कर इसमें डाल दीजिए। अब इस चाशनी को कितना पकाना है, कौन से तार वाली चाहिए, हमें चाहिए गुलाब जामुन जैसी चिपचिपी चाशनी, कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अपने आप थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है। चिपचिपी चाशनी हो गई है, मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब चलते हैं और काम करने के लिए। मैंने यहाँ पर चाशनी को एक कटोरे में निकाल दिया है। इसी कढ़ाई में मैं मावे को भून लेती हूँ। खोए को कढ़ाई में डालने से पहले 1/2 चम्मच घी डाल दें और इस खोए को धीरे धीरे भूनना शुरू करें। खोआ थोड़ा भुनने लगे तब इसमें मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल दें कटे हुए, जो आप पसंद करते हैं। थोड़ा भुनने के बाद 1/4 कटोरी नारियल का बुरादा, जिसको डेसिक्रेटेड कोकोनट कहते हैं, वो डाल दें। इसे भी भून लें साथ में। अब 2 इलायची कूट करके डाल दें। हल्के गुलाबी रंग का जब मावा भुन जाए तब इसे गैस बंद करके एक किसी खुले बर्तन में निकाल दें। तो इसे हम पूरा ठंडा करने देते हैं, बाद में ही चीनी डालेंगे। तब तक हम बाहर की जो लेयर वाली कोटिंग है वो बनाना है, तो उसके लिए हम एक डो बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक बड़े बर्तन में छना हुआ 1.5 कप मैदा ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें घी डाल रही हूँ। अक्सर हम मैदे में काफ़ी सारा घी डालते हैं मोयन के लिए, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1 चम्मच ही डाल रही हूँ क्योंकि हमें इसके लिए लेयर के लिए बाद में डालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पानी डालकर 1 पिंच नमक डालकर इसे आप नॉर्मल डो बना लीजिए, बहुत टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं। और इसे हम ढक के एक तरफ थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अब फिलिंग भी ठंडी हो गई है, इसमें मैं 1/4 कटोरी पिसी चीनी डाल रही हूँ। आप मिश्री को भी कूट के डाल सकते हैं, गुड़ को भी कूट के डाल सकते हैं, या फिर खांड जो होती है वो भी डाल सकते हैं, जो आपको मन करे। बस इसमें मिक्स करके एक तरफ रख दें और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना दें जो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इस मिठाई में बढ़िया सी खाजे की तरह लेयर आए तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा, एक पेस्ट बनाना होगा। यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है घी और इसमें डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून मैदा, 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास सिर्फ कॉर्नफ्लोर है तो वो डाल सकते हैं, सिर्फ मैदा है तो वो डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको दोनों ही डालनी है। इसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसे मिक्स करके एक बढ़िया सॉफ्ट सा मिश्रण बना लीजिए। हो सकता है घी की जरूरत पड़े तो 1/2 चम्मच और डाल दें। अब लेते हैं उस मिश्रण को जिसका हमने डो बना के रखा है, उसमें पूरी के साइज की 2 लोई निकाल लीजिए। उन दोनों लोई में अलग अलग कलर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर पिंक और ग्रीन दिया है। आप चाहें अगर नेचुरल कलर देना चाहें तो इसमें बीट रूट का सूखा पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं, केसर से पीला कलर दे सकते हैं, ये च्वाइस आपकी है क्योंकि मिठाई बना रहे हैं तो पालक वगैरह नहीं डाल सकते। मैंने अभी इसमें थोड़ा थोड़ा कलर डाला है, बहुत कम ही डाला है। आप चाहें तो मनपसंद जैसा बनाना चाहें वो बना सकते हैं।
अब ये जो दोनों कलर वाली पूड़ी है इन्हें हम लंबा बेल लेते हैं और इसे हम एक तरफ रख देते हैं। अब बाकी का जो मैदा है उस पूरे मैदे को लेना है, आधे आधे को नहीं, पूरे मैदे को एक चॉपिंग बोर्ड पर मैं रखकर इसे लंबाई में पतला बेल रही हूँ। जितना मैदा है पूरा का पूरा बेल लीजिए, एक मतलब रेक्टेंगल शेप में आप बेल लीजिए। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाई थी घी और मैदे की, उसको थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए। अब ये जो रेड कलर है वो जो पट्टी है उसको चिपका दीजिए और थोड़ा सा बीच में गैप देकर ग्रीन कलर भी चिपका दीजिए। जो पेस्ट बचा है उस सारे को इसी के ऊपर डाल दीजिए, पूरा मैदा जो है ढक जाएगा इस पेस्ट से। अब बारी आती है इसमें लेयर कैसे आए, तो हमें क्या करना होगा, धीरे धीरे इस पूरी रोटी को हमें रोल बनाना है। रोल में याद रहे हवा नहीं होनी चाहिए, बस टाइट रोल धीरे धीरे बनाते जाइए। रोल जब बन जाए तब बीच में से कट करें और इसे पतला करके रोल करें। जब रोल बन जाए तब 1.5-1.5 इंच के आसपास आप इसे कट करते जाएं। लीजिए इस तरीके से कलरफुल रोल बनकर तैयार हो गए। अब ये सूखे ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर एक कपड़ा डाल दीजिए गीला सा। जब हमें फाइनल शेप देना है तब हमें करना क्या है, एक रोल को लेना है, इसको बीच में से कट करना है। कट करने के बाद उल्टा करके एक पीस को पीछे से थप थपा कर थोड़ा बड़ा करना है। दूसरे को भी इसी तरीके से करके हमें हल्का सा बेल देना है। अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं, तो जो साफ वाला सफेद वाला पार्ट है वहां पर थोड़ा सा पानी लगाकर हम फिलिंग रख रहे हैं और ऊपर से जो कलरफुल है वो उसके ऊपर रख रहे हैं। चिपका देंगे अच्छे से जिससे अंदर घी ना भरे या ऑयल ना भरे। अब इसे अच्छे से चिपकाने के बाद जो साइड से ज्यादा बड़ा पीस है उसे हम डिजाइन देके बिल्कुल गुजिया की तरह इसे बना लेंगे। आप चाहें तो इसे गोल शेप भी दे सकते हैं चंद्रकला की तरह, पर मैंने पर्सनली, मुझे ये चौकोर शेप अच्छा लग रहा था तो मैंने इस तरीके से इसको बनाया। अब देखा ना आपने, लेयर वाली है और कलरफुल है, बिना मोल्ड के है और बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग है। इस तरीके से बनकर आराम से तैयार हो जा रहा है। इसे सारे इसी तरीके से हम बना लेते हैं। अब साइड से रखते हैं कढ़ाई इन्हें फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए हमें लो टू मीडियम गैस पर इसे फ्राई करना है, जिससे जो काफ़ी सारी लेयर हैं ये खुलें भी और अंदर तक पकें भी। अभी जो हम इसे गैस पर फ्राई करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, इसकी परतें टूटे नहीं, इसके कलर खराब ना हो, तो इसके लिए हमें लो टू मीडियम गैस पर फ्राई करना है। तेज़ गैस पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। ये अंदर तक सिकें और इनकी परतें टूटे नहीं, तो इस बात के लिए हमें अच्छे से इन्हें फ्राई करना है। बहुत जल्दी जल्दी चलाना नहीं है। जब ये अच्छे से गोल्डन कलर में फ्राई हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं, तब इन्हें निकालते हुए एक एक को आप चाशनी में डिप करते जाइए। चाशनी में डिप करेंगे एक मिनट के लिए, उसके बाद इसे निकालते हुए रखते जाएंगे। होली है तो कलरफुल चाहिए, इसलिए मैंने इस टाइप की बनाने की कोशिश की है। अभी काफ़ी दिन हैं लेकिन फिर भी आप मन बना लीजिए आपको इस बार कौन सी रेसिपी बनानी है होली पर। वीडियो पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें।